आइए जानकारी लेते हैं आज इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्ट का एक बहुत बड़ा यहाँ एक जलसा हुआ, उसके अंदर प्रोफेसर्स रिटायर्ड जज वगैरह ने हके लोगों को समझाने की कोशिश की। हमारे बीच में डॉक्टर यासीन उस्मानी जी आइए, इनसे हम जानकारी लेते हैं कि आज का जो ये एक कैडर कैंप मान लें या एक तरीके का जो यहाँ ये प्रोग्राम हुआ उसका क्या उद्देश्य है। सर आज ये एक ऑब्जेक्टिव का एक प्रोग्राम इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्ट का हुआ, इसका ये क्या उद्देश्य है? देखिए ये IOS एक संस्था है जी, जो डिफरेंट इशू पर मुल्क में तहकीकी काम करती है जी और रिसर्च वर्क करती है। तो आज उसका ये 30 साल प्रोग्राम है और उसमें उन्होंने इस अभी उन्होंने सिल्वर जुबली प्रोग्राम किया था जब 25 साल हो गए थे, अब ये 5 साल के बाद उन्होंने अपना प्रोग्राम किया है जी। इस प्रोग्राम में उन्होंने जो 5 साल में जो उनका अचीवमेंट है, जो उन्होंने हासिल किया, जो उन्होंने तरक्की की, वो सब यहाँ 2-3 दिन के अंदर उसकी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से पेश की जाएगी। IOS एक ऐसी ही संस्था है कि जो मुल्क में बर्निंग इश्यूज़ को भी टच करती है और उसके साथ इंटेलेक्चुअल्स की एक बड़ी टीम जुड़ी हुई है, बुद्धिजीवियों की, और वो सब मिलकर के मुल्क और कौम की फिक्र में लगे रहते हैं और अपने अपने शोबे में वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके मुल्क और कौम की रहनुमाई करते हैं। सर अभी एक जो बजट पास हुआ है उस बजट के अंदर एजुकेशन पर जो बजट आना चाहिए था वो नहीं आया है और कॉलेजों के अंदर या जो यूनिवर्सिटियों के अंदर उन्होंने बोला है 70% और 30% का रेशो है जी, 73 और 27 का जी। हाँ हाँ, तो सर उसके अंदर जब आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो किसकी रिसर्च करेंगे? नहीं देखिए ये इसी किस्म के तो वो इश्यूज़ हैं कि जिसको IOS टेकअप करता है और उसके बाद उसको मुल्क में रोशनी मिलाने की कोशिश करता है कि मुल्क के डिफरेंट फील्ड में कहाँ कमज़ोरी है, कहाँ खामी है, कहाँ हमारी ज़रूरतें हैं जिनको हमें पूरा करना चाहिए, वहाँ उंगली रखता है, वहाँ निशानदेही करता है ताकि उससे रिलेटेड लोग ये बात महसूस करें और समझें कि मुल्क को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे आपने भी एक पॉइंट रेस किया कि 23 और जो है वो 27 और 73 का, हाँ क्या का जो रेशियो है, तो जाहिर है कि इसी किस्म की जो कमज़ोरी 71 साल के बाद आज भी मुल्क के सामने बाकी हैं, मौजूद हैं, उन्हीं पर उंगली रख कर के एहसास कराता है कि भाई इनको हमें दूर करना चाहिए और इसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए कि ये जो तमाम इतना बड़ा समाज 71 साल से आज़ादी के बाद आज भी अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जो उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, तालीम है, रोटी रोजी है, इस सब के लिए वो तरस रहा है और उसको आज भी मयसर नहीं है, इसी की फिक्र करता है। डॉक्टर साहब अभी देखा गया है कि यहाँ इस मुल्क के अंदर मुल्क की बात कर रहे हैं कि दलित और मुस्लिम समाज अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है जी। राइट, आपने ये बात बिल्कुल सही कही, बहुत ही दर्दनाक अफसोसनाक वाकया रिसेंटली अभी इलाहाबाद में हुआ है जिससे तमाम इंसानियत दोस्त और सेकुलरिज्म से इंसानों से मोहब्बत करने वालों को बड़ी तकलीफ हुई है, बड़ा दुख हुआ है कि हमारे मुल्क में आज भी अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम तमाम सेकुलर मुल्क में दलित मुसलमान और अकलियतों के साथ इस तरह का अत्याचार हो जाता है और ये सिलसिला लगातार है, कभी गौकशी के नाम पर है, कभी मुसलमानों के नाम पर है, कि नहायत ही काबिल मजम्मत है, कंडमडेबल है और हमें इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि रुख आखिर मुल्क किस रुख पर जा रहा है, ये बड़ी फिक्र की बात है। हम सबको मिल के न सिर्फ सोचना पड़ेगा बल्कि इन हालात को बदलने के लिए बहुत ही जद्दोजहद की ज़रूरत है। सर अनंत कुमार हेगड़े जैसे कहते हैं कि वो एक मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं हम तो संविधान बदलने आए हैं और संविधान बदलना हमारा मकसद है। अब वो तो वक्त बताएगा कि कौन कितना संविधान बदलेगा, अभी मुल्क में इतनी कमज़ोरी नहीं है कि आसानी से कोई चाहेगा तो अपने हिसाब से संविधान बदल लेगा। सरकार में आने के लिए अगर नंबर बढ़ जाते हैं कुछ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क का बैनामा किसी के नाम हो गया है जी, ऐसा नहीं है। अभी 40% या 42% लोगों ने एक पार्टी को वोट दे दिया, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए होता है कि उनके नंबर बढ़ गए, वो सरकार में आ गए। अगर कोई ऐसी बात सामने आती है तो अभी 60% से ज़्यादा लोग उस नज़रिए के हैं कि जो ना कॉन्स्टिट्यूशन बदलने देंगे, ना इस
اس ملک کے سیکولر ڈھانچے کو بدلنے دیں گے، نہ اس ملک کے جمہوری اقدار کو بدلنے دیں گے، چونکہ اس ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ جو وابستگی اور جڑاؤ ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے۔ سر، دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک جگہ اس طریقے کی باتیں آتی ہیں جب کوئی سنشودھن ہوتا ہے یا سنشودھن نیا بنایا جاتا ہے۔ ابھی اینٹی رومیو بنایا سر اتر پردیش کے اندر، اس کے اندر اگر دلت پکڑا گیا یا مسلم پکڑا گیا، اس کو بے رحمی سے اس کے ساتھ میں مار پیٹ گئی اور گھر والوں کو بلا کے پیسے لے گئے، یا مطلب اس طریقے کا جو چل رہا ہے، یہ سر یہ کب کس طریقے کا ماحول ہے؟ دیکھیے، یہ حادثات بہت بڑھ رہے ہیں اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ بہت ہی چنتا کا وشے ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ حالات کنٹرول نہیں ہوئے اور اس پر گمبھیرتا سے نہیں سوچا گیا تو ملک کے حالات کس طرف چلے جائیں گے، کیا ہوگا ملک میں۔ ظاہر ہے کہ ملک سے محبت کرنے والوں کو اس بارے میں فکر ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فکر کر کے کوئی اسٹریٹجی تیار کرنی چاہیے کہ ہم اس اسٹریٹجی پہ عمل کریں گے، یہ گاندھی کا ملک، یہ گرو نانک کا ملک جس راستے پہ جا رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک خاص وچاردھارا کے لوگ اس وقت کانسٹیٹیوشن عہدوں پر آ گئے، حکومت میں آ گئے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیاہ سفید ہم کو کرنے کا ادھیکار مل گیا ہے، تو ایسا تو ہونے والا نہیں ہے۔ وقتی بات ہے، ابھی جب پولیٹیکل حالات ہوں گے، 19 کا الیکشن سامنے آئے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ملک سمجھ چکا ہے کچھ نہ کچھ اچھی تبدیلی آئے گی۔